ये खड़ी बाइक, और ये देखिए इस पर जितना पानी था वो जम गया रात में, और कुछ ऐसे नज़ारे हैं यहाँ पर। मोबाइल से रिकॉर्डिंग हो रही है, गोप्रो की बैटरी पूरी की पूरी उड़ गई अपने आप, पावर बैंक भी उड़ गया है, यहाँ पर कोई इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स नहीं है। अब देखता हूँ मैं कैसे आपके लिए रिकॉर्डिंग करता हूँ। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज है हमारा डे 3। हम रुके थे यहाँ पर पीछे इसके अंदर, तो अभी हैं फिलहाल हम बाटल में। तो यहाँ से आज जाएंगे टुवार्ड्स दी काजा। चंद्रताल का प्लान मैंने टोटली अब कर दिया है कैंसिल। और यहाँ पर यार रात में सांस लेने में काफ़ी तकलीफ़ हुई, मुझे भी हुई, और साथ में जो मेरे थे उनको भी तकलीफ़ हुई। तो फिर सुबह कोई इतनी प्रॉब्लम है नहीं, अभी सुबह के 6 बजे हैं, तो बड़ी मुश्किल से हमारी रात कटी है। तो अभी धूप आ चुकी है और बाइक स्टार्ट हो गई, वैसे इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आई। तो अभी आगे चलेंगे, बस सामान रख लें एक बार। तो ये रास्ता है आगे जाने का इस तरफ। सुनाओ, चलते हैं अब यहाँ से। ओह, जय माता दी। स्वाज की राइड शुरू करते हैं भगवान के नाम के साथ। हर हर महादेव। अरे भाई क्या नज़ारा है यहाँ से, नज़ारा देखिए आप लोग। हो खतरनाक खतरनाक। और ये कुछ भाई हमारे साथ साथ जाएंगे। क्या बात, एक मिनट। तो यार अब ये रास्ता जाएगा टुवार्ड्स दी कुंजुम पास, और जो हमारे साथ थे लोग उनके साथ क्या प्रॉब्लम हुई मैं आपको बताता हूँ। रेंट की बाइक थी तो बाइक का सलेंसर ही उतर गया, तो अब देखते हैं उनको कुछ मिल जाए, जुगाड़ हो जाए। और यहाँ पर पत्थर गिरते रहते हैं, जल्दी जल्दी निकल जाओ यहाँ से। तो यार जब भी ऐसी जगह आए तो बस आपकी बाइक में कोई प्रॉब्लम ना आए, तो फंस जाओगे यार। बाइक छोड़कर आपको जाना पड़ेगा, फिर किसी गाड़ी में बाइक पीछे रख कर वापस लेकर आनी होगी। काफ़ी स्टीप चढ़ाई है, काफ़ी ज़्यादा। और चंद्रताल की तरफ आज बारिश हो रही है, तो वैसे भी जा नहीं होगा वहाँ पर। तो यहाँ से ये जो ख़राब रास्ता है वो टोटल अप्रोक्सीमेटली 30 किलोमीटर्स का है। तो यहाँ पर मैं बोलूँगा नहीं ज़्यादा, मेरी सांस फूल रही है ऑलरेडी। लगभग इन पहाड़ों की हाइट पर हैं हम। शट, चल पड़ा। चलो तो यार वैसे ना मैंने ये जो इस बार का टूर था वो बनाया था सिर्फ 4 दिन का। मुझे नहीं पता था कि इतना ख़राब रास्ता है। मैंने सोचा था कि कुंजुम पास से जाकर फिर से वापस आ जाएंगे टुवार्ड्स दी मनाली ते, और मनाली से फिर से एक दिन में चले जाएंगे घर वापस। बट जैसा वो रास्ता है उस पर वापस जाने का मन नहीं किया, तो अब इस रास्ते से जाएंगे। चलो यहाँ पर भी ख़राब है, बट वो 50 किलोमीटर है, ये वाला 30 किलोमीटर के आसपास है। तो 2-2.5 घंटे बच जाते हैं ख़राब रोड पर। अच्छा रोड हो फिर नहीं कोई टेंशन यार, फिर तो बंदा चला ही लेता है, ठीक है ना।
हाँ जी 2 किलोमीटर है बस। हाँ आराम से चले जाएं। आई एम नॉट प्रिपेयर्ड के पहले चंद्रताल जाऊं, फिर चंद्रताल से वापस आकर काजा की तरफ जाऊं। 14 किलोमीटर वो है, 14 14 28 किलोमीटर। तो ये वो मोड है, ये चला जाएगा टुवार्सी काजा और ये जाएगा टुवार्सी चंद्रताल। ठीक है, तो ये देखिए, ये नीचे छोटा पतला रास्ता है, शायद ये या तो चंद्रताल को जाता है और ऊपर बादलों ने पहाड़ों को ढक दिया है, बीच बीच में खुला आसमान भी है। अरे भाई अमेजिंग व्यू, अमेजिंग, कोई मुकाबला नहीं इनका। तो यहाँ पर 2 मिनट खड़े हो जाओ तो ठंडी हवा आपको चीरती हुई जाएगी। अभी तक तो रास्ता सो सो है, मतलब ठीक है, कल जितना बुरा रास्ता अभी तक तो नहीं आया, आगे आ जाए तो हम कुछ कह नहीं सकते। मतलब ये है कि यार इस रास्ते से जो मैंने सीखा है वो ये है कि एक तो आप एक्सपीरियंस राइडर हो, सेकंड आपके पास बाइक थोड़ी सी अच्छे सस्पेंशन वाली हो ताकि आपके शोल्डर्स पर इतना जोर ना पड़े, तो आपको इतनी कोई ख़ास प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे मुझे कल 2 लोग मिले थे, उन्होंने 5.5 घंटे में वो पूरा ऑफ रोड कर कर पग उन्होंने 60 किलोमीटर 5.5 घंटे में किया था कंटिन्यूसली। अरे वाह, ये तो फुल ऑन कारवां बनाई हुई है। ये भी सही है यार वैसे, है ना। जस्सी और संजू बोल रहे थे कि कुछ ऐसा अरेंजमेंट बनाएंगे हम लोग, तो इन फ्यूचर होप सो। अब जब हम सक्सेसफुल हो जाएं अच्छे, थोड़ा सा भी मतलब यार हमें कुछ ज़्यादा फेम नहीं चाहिए, मतलब जो हमारा मतलब खर्चा आता है उतने पैसे बन जाएं तो हम घूमते रहेंगे बस, और क्या चाहिए। तो यार यहाँ पर एक और ध्यान रखना है कि 2-3 दिन पहले स्नोफॉल हुआ था, तो ये जो आप लोग देख रहे हैं ना इसमें ब्लैक आइस भी हो सकती है मे बी, बट अभी जैसे जैसे धूप आएगी तो वो अगर हुई भी तो पिघल जाएगी, बट फिर भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी ये कच्चा रास्ता है, इस पर इतना इशू नहीं होगा, मैं इसी की बात कर रहा था। ये देखो कैसे पूरी स्नो जमी पड़ी है। तो कुछ ऐसे व्यूज़ हैं यहाँ पर, किधर से, मनाली से या चंद्रताल से आए हो आप? बाटल से आया हूँ मैं। बाटल से? हाँ। चंद्रताल गए? नहीं चंद्रताल नहीं आज गया। अभी खुला नहीं चंद्रताल? नहीं नहीं खुल गया है, बारिश हो रही थी वहाँ पर आज। बारिश हो रही है? हाँ। ओके सर, थैंक यू। पहला बाइकर कोई जो उस तरफ से आ रहा है वो मुझे मिला, कि अगर आप लोग आ रहे हैं तो नीचे से पत्थर का बचाव रखना भाई, आपके साइलेंसर, आपकी ब्रेक और आपके पैरों को कोई पत्थर ना छुए, रुक रुक कर आ जाना, कहीं पर बड़े पत्थर हैं, स्पीड अपनी कम कर कर फिर चला लेना, बट जल्दबाजी में अगर कोई पत्थर नीचे से टकरा जाता है तो आपकी ब्रेक टूट जाएगी या आपका साइलेंसर को कोई नुकसान हो जाएगा तो आप लोग फंस जाएंगे। तो यार जैसे जैसे हम कुंजुम पास के पास आ रहे हैं, एक तो रास्ता बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गया है। चल 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 चैंपियन,
सो नाउ वो रहा सामने कुंजुम पास, ठीक है, और उससे आगे या तो ये रास्ता नीचे उतरने का है यार, ये तो बहुत ही गंदा रास्ता है, बट आई थिंक कोई और ना हो, जाकर पता चलेगा। तो यहाँ से मैक्सिमम 2 किलोमीटर्स होगा, यानी कि 15 मिनट का टाइम लगेगा, हम 8 किलोमीटर से ऊपर आ चुके हैं। ओहो हो हो, जन्नत 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 है तो यही है। ओह, शीशे में देखिए, पीछे देखो पीछे। सो फाइनली वी आर एट दी कुंजुम पास, और इस तरफ आगे रास्ता चला जाएगा टुवर्ड्स दी कुंजुम स्तूपा। 2 मिनट का रास्ता है, जाकर आते हैं वहाँ पर। रास्ता भी है ठीक है, जैसा ये है बस वैसा ही है। अच्छा, हो जाएगा, इतनी टेंशन मत लो। मतलब नाले ज्यादा है कि सब? नहीं नहीं, पानी वाला नहीं इतना इशू है, वैसे वो खराब रास्ता है, पत्थर ही पत्थर। वो तो घर से भी आ रहे हैं, वो ऐसे, ये भी ऐसे ही है। ठीक है ठीक है, फिर तो आपको एक्सपीरियंस हो ही गया होगा। इससे मतलब ज्यादा गंदा है, इतने इतने बड़े पत्थर है, अगर इससे हो गया तो आपसे तो हो ही जाएगा। हाँ, तो इसका इससे भी हाँ तो वो भी ग्राउंड। हाँ ठीक है, यस। आप कहाँ से? यूपी, दिल्ली। हाँ जी, कल शाम स्नो पड़नी शुरू हो गई थी। अच्छा, जब मैं आ रहा था रास्ते में कोई वो तो नहीं, बर्फ पड़ी हुई रास्ते में? वो तो नहीं, नहीं नहीं, इतनी नहीं हुई। हाँ जी, रास्ता कैसे क्लियर है? रास्ता क्लियर नहीं, नहीं नहीं, रोड पर नहीं है बर्फ, साइड साइड। हाँ, साइड साइड पर, रोड पर नहीं है। सो फाइनली वी आर एट द कुंजुम पास। हल्की हल्की स्नोफॉल शुरू हुई है यहाँ पर, इससे पहले कि ज़्यादा हो हमें जाना है आगे, पर उससे पहले ये पीछे जाएंगे कुंजुम माता के मंदिर में। तो पहले आप लोग व्यूज चेक कीजिए। सो दिस इज़ दी कुंजुम पास। तो वो वहाँ पर सामने देखिए, वो जितने भी बादल हैं वो सारी स्नो हो रही है। इस तरफ देखिए, यहाँ से आएगी स्नो, आ रही है, ज़्यादा ना हो जाए इससे पहले। तो ये रहा हमारा चैम्पियन, तो आगे बढ़ते हैं। चलते हैं, जय कुंजू माता। ओ यार, आंखों में स्नो पड़ रही है। अगर ऐसा रास्ता मिल जाए तो क्या बात है, आराम से हो जाएगा, आराम से। तो कह रहे हैं कि 9-10 किलोमीटर ही आगे ऐसा है, तो वैसे भी सुबह से 10 किलोमीटर आ गए हैं, 10 किलोमीटर और होगा मेरे हिसाब से। अरे वाह, जब आँख में स्नो पड़ती है ना तो ठंडा ठंडा बहुत लगता है भाई। ओ बाय बाय कुंजुम पास, फिर मिलेंगे जल्द ही। ये क्या है भैया? अच्छा, सही बात है। जलंधर आप? चंडीगढ़ से? ठीक है। हाँ जी, लोग बड़े हर जाए जलंधर में। कहाँ को जा रहे हो? मैं स्पीति। अच्छा, काजा।
अभी आप मनाली होकर आ रहे हो क्या? बाटल से आ रहा हूँ अभी तो। अच्छा, नहीं आगे मनाली से आए थे आप? मैं मनाली से आया हूँ, बाटल यहाँ से 11-12 किलोमीटर है बस। बाटल से आगे बहुत मतलब खराब रोड है। अच्छा, इससे भी ज्यादा? इससे तो बहुत ज्यादा खराब है, इतने इतने पत्थर है, इतने इतने पत्थर। जल्दी जल्दी आगे हो जाना, नहीं तो शाम को स्नो पड़नी शुरू हो जाती है। ठीक है, चंद्रताल चले हैं आप। अच्छा, मेरे को बात बताओ रेंज कहाँ आएगी? रेंज भैया आपको मिलेगी कोकसर में। बाटल में ना, बाटल से 50 किलोमीटर आगे सारा ऑफ रोड जब खत्म होगा फिर रेंज आएगी। चंद्रताल में भी नहीं आएगी? ना बिल्कुल नहीं, परसों ही आएगी रेंज। हाँ परसों ही आएगी। और बिजली तो आएगी उनके पास? ना नो, बाटल में बिजली भी नहीं है। चंद्रताल की फोटो खींचने के लिए बैटरी बचा लो। पावर बैंक नहीं लिया? पावर बैंक है, उसमें दो डंडे हैं। चलो फोन तो चार्ज हो जाएगा उससे। 7 MAH तो होगी। हाँ हो जाएगी, एक बार ही फोन चार्ज। ठीक है भैया।